इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो सर। हाँ जी सर, कहाँ पे हैं आप अभी? घर पे नहीं है क्या? नहीं, मैं बाहर आया हूँ मार्केट तक। बताइए कौन? ममता के हस्बैंड बोल रहे हैं, आपका जो मेड है ममता। हम अभी घर आए तो बीवी जी भी नहीं है। ममता ही बोली है कि बीवी जी और साहब भी घर से बाहर है। सर कई बार सोचा था आपसे बात कर लें, लेकिन थोड़ा झिझक हो रहा था। नहीं देखिए, अगर आप पैसों की बात कर रहे हैं तो वो मैं ऑलरेडी अभी अभी ममता जी के जस्ट थोड़े टाइम पहले नहीं, वो तो हमको ममता ने बताया है कि आपने भी 500 रुपये बढ़ा दिया है। अब वो ममता हम आपको बताया। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम अभी आप ही के घर से बात कर रहे हैं, ममता साथ में है। सर जरा ममता को 2 घंटे के लिए हम बाजार तक ले जा रहे हैं, इनको उनको मूलचंद का पराठा खिलाना था, बहुत दिन से सोच रहे हैं। अरे बट घर पे बच्चा अकेला है और मेरी वाइफ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। 2 घंटे में आ जाएंगे। अरे आप क्या, आप होश में है क्या? आप, मेरी बीवी बाहर है, मैं बाहर हूँ, बच्चा घर पे अकेला है और आप ऐसे घूमने निकल जाएंगे क्या? सर तो हम उसको पहले बोल दिए थे, सिर्फ 2 घंटे की बात है सर। पराठा खा रहे हैं फिर आ रहे हैं, मुश्किल से ज्यादा थोड़ी जाएंगे। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? बाहर जाने के पराठे खाने के पैसे देते हैं क्या हम लोग? इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आ रही? घर पे रुकना तो घर पे रुकना। तो इतनी सी बात तो आपके भी काहे समझ नहीं आ रही है क्या? जब कंपनी ने आपको बोला है वर्क फ्रॉम होम, तो ये गोवा का प्लान बनाने का जरूरत क्या है मिस्टर? आई एम सॉरी टू से, अब मेरे को अपना आवाज बदलना पड़ेगा ताकि आपको और समझ में आए। तो देखिए, हम मैं रेडियो मिर्ची पे कितना लोगों को ये समझाऊं और किस किस जुबान में समझाऊं, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। यार आप पढ़े लिखे इंसान होने के बावजूद ऐसी हरकत कर रहे हैं। आपको मालूम है ये चीज कितनी आसान है ना आपके लिए कि वर्क फ्रॉम होम? जो मुझे पता चल गया कि आपने गोवा का टिकट बुक कर लिया है, आपको इस चीज पे शर्म नहीं आ रही? जिस चीज के लिए, और ये सोचिए इस वक्त जो हालात है ना, इतनी बड़ी बेवकूफी दिखाई है आपने। कंपनी ने आपको वर्क फ्रॉम होम की इजाजत इसलिए दी है ताकि आप सही वक्त पे काम कर सके, और अगर कोई भी इस बीमारी का शिकार है तो ये बीमारी ज्यादा ना फैले। दिल जल रहा था ना कि ममता को इस बात के पैसे देता हूं कि मैं घूमने के लिए, इसी तरह कंपनी का दिल जलता होगा। और सुनिए, कंपनी भी नहीं, हम सबका नुकसान कर रहे हैं यार आप इस तरह घूम के। यार आप लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रही बात? थोड़े दिन घर पे रुक जाइए, डिनर के प्लान्स, पार्टी के प्लान्स, गोवा जाने के प्लान, आउट ऑफ इंडिया जाने के प्लान्स, पूरी जिंदगी कर लेने का अगर जिंदा रहोगे तो। और कभी आपने ये सोचा है कि अगर सोचिए ये बीमारी किसी को भी ना हो, खुदा ना खास्ता, इसका कितना आसान तरीका है? सिर्फ घर पे रहिए, सैनिटाइज करिए अपने आप को बार बार, लोगों से कम मिलिए बस, और काम करते रहिए। अमित मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी तरह लोग लापरवाही करने लगेंगे काम में तो कोरोना से तो बच जाएंगे, इकोनॉमी की जो मार पड़ेगी ना हम पे, उससे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मैं सही बताऊं, आपको बच्चे की फिक्र ही नहीं है। आप बेकार की बात कर रहे थे कि बच्चा घर पे अकेला है। बच्चे की फिक्र अगर वाकई में होती ना तो आप इस पर घूमने ना जाते। और कमाल की बात यह है कि जो जवान लोग हैं ना, ये अपने ही चला रहे हैं कि यार हमें कुछ नहीं होगा, हम तो सरवाइव कर लेंगे। बात आपकी नहीं है, ये बात बूढ़ों और बच्चों की भी है। ये किसी की भी वजह से किसी को भी हो जाए, इसमें कितने अफसोस की बात है यार। सिर्फ अपनी केयर करनी है और अपने बराबर वालों की, ताकि वो आगे ना बढ़े। ऑलरेडी डबल माइंडेड था थोड़ा इस चीज को लेके कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ जाके। आप पहली बात तो डबल माइंडेड अब नहीं है, आप नहीं जा रहे हैं, क्लियर। ये मेरी मोहब्बत समझ लीजिए कि मैंने आपका नाम तक बताया नहीं है, पर मैं ये भी कर सकता था कि मैं आपकी कंपनी में ये ऑडियो भेज देता और आपका नाम पता चलता। यार इस बात को समझिए ना कि कंपनी को ट्रस्ट है आप पर, हम सब पर। आपको मालूम है मैं इस वक्त स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, मेरे स्टूडियो में कोई नहीं है इस वक्त। मैं यही फिक्र करके कि यार आप लोगों को समझा दूं, ये बहुत बड़ी परेशानी है इंसानियत पर, लेकिन इसको खत्म करने की बहुत आसान तरीके हैं। लोगों से कम मिलिए, हाथ पैर साफ रखिए, बच्चों को समझाइए, एजुकेट करिए इसके बारे में। यार पिकनिक पूरी जिंदगी मना लेना यार। नहीं नवीद भाई, आपने समझा दिया, मैं प्लीज प्लीज आप ये जिंदगी में कभी काम नहीं करेंगे ऐसा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मैं फोन रख रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। जी थैंक यू नाविद सर, एंड आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, यू टेक केयर, बाय बाय।